हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज एमस्तियाक एंड यू आर वाचिंग ये कैसे और एम आई स्टडी। दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियोस और आ चुका है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप नीचे लिंक से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुलनात्मक विधि यानी कंपैरिजन मेथड से समीकरण युग्म को हल करना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे तुलनात्मक विधि यानी कंपैरिजन मेथड से समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन में देख सकते हैं आप तुलनात्मक विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। नीचे देख रहे हैं रूल्स, रूल में नीचे नंबर एक है, कह रहा सबसे पहले समीकरण युग्म को x एवं y में व्यक्त करें। अगर क्वेश्चन x और y के रूप में नहीं दिया है, हो सकता है आपको क्वेश्चन शब्दों के रूप में आए, तो आप शाब्दिक समस्या को उसे पढ़कर आप x और y में बदल लें, समीकरण में बदल लें। या फिर अगर वो x और y में पहले से दिया हुआ है तो फिर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर समीकरण x और y में नहीं हो, किसी दूसरे चर में हो, u और v में हो या s और t में हो, जिस भी चर में हो वो आप उसी चर में रहने दें, तब x और y में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि समीकरण दो चरों में बदल जाना चाहिए। फिर समीकरण युग्म के दोनों समीकरण को क्रमशः समीकरण एक और समीकरण दो माने। तो आपके पास जो दो समीकरण मिलेगा यानी समीकरण युग्म जो प्राप्त होगा, उस समीकरण युग्म के पहले समीकरण को समीकरण एक मान लेना है और दूसरे समीकरण को समीकरण दो मान लेना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम आपका होगा, वो कह रहा है कि अब समीकरण एक से किसी एक चर का यानी x का मान दूसरे चर यानी y के रूप में निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका चर्चा हम पहले भी प्रतिस्थापन विधि से कर चुके हैं। यानी समीकरण एक को लेंगे और उसे हल करके x का मान y के रूप में निकाल लेंगे, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि उसे समीकरण तीन मानेंगे, x का मान जब y के रूप में आ जाएगा तो उसे समीकरण तीन मान लेंगे। अब चौथा नंबर कह रहा है कि फिर समीकरण दो से x का मान y के रूप में निकाले तथा उसे समीकरण चार माने, मतलब दूसरा समीकरण लेना है और उसे हल करके x का मान y के रूप में निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, इसका चर्चा हम आगे एक दो क्वेश्चन करके समझ लेंगे। अगला नंबर है नंबर पांच, कह रहा है अब समीकरण तीन और समीकरण चार में तुलना करके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को आपस में समान कर लें। ऐसा करने से प्राप्त समीकरण एक चर यानी y ग्रुप में प्राप्त होगा। मतलब आप समीकरण तीन जो मानेंगे उस समीकरण तीन में x बराबर समथिंग होगा और जो समीकरण चार आएगा वहां पर भी x बराबर समथिंग होगा। तो दोनों समीकरण का आप जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो वहां x x मिलेगा, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड x x यानी सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो तुलना करके हम इस तरीके से दोनों के राइट हैंड साइड को बराबर कर लेंगे। इस तरह से वो समीकरण एक ही चर यानी y के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहा है नंबर छह, कह रहा है फिर प्राप्त समीकरण को हल करें, इससे y का संख्यात्मक मान प्राप्त होगा। मतलब जब दोनों समीकरण तीन और समीकरण चार के राइट हैंड साइड को बराबर कर लेंगे तब जो समीकरण आएगा उसको हल करेंगे। ऐसा करने से y का संख्यात्मक मान हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर कह रहा है अब y के संख्यात्मक मान को समीकरण तीन या समीकरण चार में रखकर x का संख्यात्मक मान ज्ञात कर लें। अब यहाँ पर y का जो संख्यात्मक मान आएगा उस मान को समीकरण तीन या समीकरण चार, वो आप पर डिपेंड करता है किस में रखना है। तो रखने के लिए आप एक चीज़ देख लें कि समीकरण तीन ज़्यादा आसान है जिसमें कैलकुलेशन कम है, आप उसमें रख लें। अगर समीकरण तीन में कैलकुलेशन कम है तो उसमें रख लें, या समीकरण चार में कैलकुलेशन कम है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो, समीकरण चार में रख दें। तो तीन या चार किसी एक में y के मान को रख दें और वहां से x का मान ज्ञात कर लें, संख्यात्मक मान। तो इस तरीके से आप तुलनात्मक विधि से समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे दो तीन क्वेश्चन में और समझेंगे कैसे इस विधि से समीकरण युग्म का हल निकालते हैं। चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है तुलनात्मक विधि से निम्न समीकरण युग्म को हल करें। यहाँ पर देख रहे हैं तीन क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 2x-y बराबर 2 और 4x-y बराबर 8, और दूसरा क्वेश्चन है 11x+15y+23 बराबर 0 और 7x-2y-20 बराबर 0, और तीसरा क्वेश्चन है 2ax+3by बराबर a+2b और 3ax+2by बराबर 2a+b। तो ये तीन क्वेश्चन हैं जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि तुलनात्मक विधि से कैसे समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक को। तो लिखे हैं क्वेश्चन नंबर एक, और नियम कह रहा था कि सबसे पहले जो समीकरण युग्म में समीकरण दिया गया है उनको क्रमशः समीकरण एक और समीकरण दो माने। तो चलिए हम मान लेते हैं फटाफट। तो जो पहला समीकरण है वो है 2x-y बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण एक।
बगल में चाहें तो लिख दें यहाँ पे माना, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसकी जो दूसरा समीकरण है वो है 4x माइनस वाई बराबर 8, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, इसके बगल में लिख दें कोष्ट में माना, नहीं भी लिखा वो चलेगा। अब आगे कह रहा है कि अब समीकरण 1 को लीजिए और उसको हल करके x का मान y के रूप में निकालिए, या y का मान x के रूप में, किसी भी चर को दूसरे चर में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि किस चर का मान आप आसानी से निकाल पाएंगे, जिसमें कैलकुलेशन कम है आप उसी का मान निकालें दूसरे चर के रूप में। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर x का मान निकालेंगे तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई, ऐसे में x का जो मान आएगा वो भिन्न के रूप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन y का अगर मान निकालते हैं तो y का मान भिन्न के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि y के साथ आगे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। और इस समीकरण में भी अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान भिन्न के रूप में आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, लेकिन y का मान निकालेंगे तो y का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई भी भिन्न नहीं होगा, अंश और हर नहीं होगा। तो आसानी होगा y का मान x के रूप में निकालना, इसलिए हम इस क्वेश्चन में समीकरण 1 से और समीकरण 2 से y का मान x के रूप में निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 था 2x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ से हमको चूंकि निकालना है y का मान, इसलिए माइनस वाई को इधर रखेंगे, बराबर हो जाएगा 2, इस 2x को इधर भेजेंगे तो ये प्लस 2 इधर आके हो जाएगा माइनस 2। अब क्या करेंगे, इस माइनस जो चिन्ह है इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा इधर केवल y, ये माइनस इधर आकर पूरे से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 घटा 2x, ठीक है। तो ये हो गया बराबर y बराबर, ये माइनस गुना, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, तो ये हो गया 2, फिर माइनस ब्रैकेट मीन्स गुना, फिर यहाँ पर है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 2x। तो इस तरह से y बराबर हो गया 2x माइनस 2, ये 2x को आगे कर दे और ये माइनस 2 पीछे कर दिए। अब कह रहा है कि ये जो है इसे हम लोग समीकरण 3 मान लें, ठीक है। तो चलिए हमने इसको मान लें समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब अगला नियम कहता है कि अब समीकरण 2 को लीजिए और वहाँ से फिर उसी चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालिए। तो चलिए लेंगे समीकरण 2 को, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8, तो फिर यहाँ से माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8, इस 4x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x, माइनस को फिर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 8 घटा 4x। ये माइनस इधर जब आएगा तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, जब कोई पद दूसरे पक्ष में आएगा, पद का जब ट्रांसपोजिशन करते हैं तब उसका चिन्ह बदलता है। हम यहाँ पर पद को नहीं भेज रहे हैं, ओनली साइन को भेज रहे हैं, तो ऐसे में साइन नहीं बदलेगा, माइनस इधर था इधर भी आकर माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस इधर आ गया तो माइनस इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब हो जाएगा वाई बराबर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया 8, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 4x, ठीक है। तो हो गया y बराबर 4x माइनस 8, इसको आप मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 और समीकरण 4, इन दोनों के जो राइट हैंड साइड है उनको बराबर करेंगे। क्यों करेंगे बराबर, आप यहाँ पर थोड़ा देख लें कि यहाँ पर y बराबर 4 2x माइनस 2 है, और यहाँ पर भी y बराबर 4x माइनस 8 है, तो ये दोनों बराबर क्यों होंगे, इसका राइट हैंड साइड क्यों बराबर होगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, मान लीजिए कि y का मान 10 है, तो यहाँ y है तो यहाँ 10, तो यहाँ भी y है तो यहाँ भी 10, तो ऐसे में 2x माइनस 2 ये 10 के बराबर, और यहाँ पर भी ये y है ये भी 10 है, तो ऐसे में 4x माइनस 8 ये भी 10 के बराबर। तो क्या देखें आप, ये भी 10 के बराबर, ये भी 10 के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों 10 के बराबर है, इसलिए ये और ये, यानी इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 का जो राइट हैंड साइड है वो है 2x माइनस 2, और समीकरण 4 का जो राइट हैंड साइड है वो है 4x माइनस 8, तो ये दोनों जो होगा ये बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हमको ये निकालना है x, तो x को एक तरफ करेंगे बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो चलिए एक काम कर दिए, 4x को इधर भेज देते हैं और ये माइनस 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4x, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 4x बराबर यहाँ है माइनस 8, और ये माइनस 2 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2, तो ये हो गया 2x में माइनस 4x जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 6, तो यहाँ से अब हमको निकालना है x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 6 बट्टे माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, और 2 एकन 2 दो तिया 6, तो x बराबर हो गया 3, ठीक है। अब अगला नियम कह रहा है कि अब इस x के मान को
रखना है समीकरण 3 में या समीकरण 4 में, किसी में भी रखें जिसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर समीकरण 3 में रख देता हूँ क्योंकि ये छोटा है, इसमें कैलकुलेशन 2 से है, यहाँ पर 4 से है, तो इसलिए ये ज़्यादा आसान होगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखकर y का मान निकाल लेते हैं। देखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, वो है y बराबर 2x, x का मान हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ चुका है, फिर माइनस 2 है, तो इस तरह से y बराबर हो गया 3 × 6 − 2, तो y बराबर हो गया 4। तो देख रहे हैं कि x बराबर आ गया 3 और y बराबर हो गया 4, तो ये हो गया समीकरण युग्म का हल। लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का हल, ठीक है, ये हो गया x बराबर 3 और y बराबर 4, तो यही हो गया इसका आंसर। तो ये हमने बनाया तुलनात्मक विधि से, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो भी यही आएगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 11x + 15y + 23 = 0 और 7x − 2y − 20 = 0। तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे समीकरण 1 को, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 11x + 15y + 23 = 0। तो चूंकि यहाँ पर अब हमको किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना है, तो यहाँ पर x का मान y के रूप में निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप x का मान y के रूप में निकाल लें, तो इसलिए यहाँ पर हम 11x को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये 23 को इधर भेज देते हैं और 15y को भी इधर भेज देते हैं, 15y इधर आ जाएगा तो ये −15y हो जाएगा और ये 23 इधर आ जाएगा तो ये −23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर −15y − 23 / 11, क्योंकि 11 यहाँ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवीजन के फॉर्म में। अब ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। अब इसी तरह से अगला नियम कह रहा है कि समीकरण 2 को लीजिए और यहाँ से भी x का मान y ग्रुप में निकालिए, मतलब किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में। चलिए लिखेंगे अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 7x − 2y − 20 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा 7x = −2y, इधर आ जाएगा हो जाएगा +2y और ये −20 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा +20, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2y + 20 / 7, इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 इन दोनों के राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, इसलिए दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए करते हैं बराबर, तो चलिए लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 का जो राइट हैंड साइड वो है −15y − 23 / 11 = ये हो जाएगा 2y + 20 / 7। अब ये 7 को इधर भेज देंगे और 11 को इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो ये 7 × 15 हो जाएगा −105 और माइनस ये 23 × 7 हो जाएगा 161 बराबर, ये 11 × 2 हो जाएगा 22y और ये फिर हो जाएगा 11 × 2 22, मतलब 220। अब हमको निकाला चूंकि y का मान, इसलिए जो y है इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा −105y, ये प्लस जो है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा −22y बराबर, इधर है 220, ये −161 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा +161 और यहाँ पर 105 और 22 ये हो जाएगा −127y बराबर, इधर हो जाएगा 101628213381। अब यहाँ से y बराबर निकल जाएगा 381/127 −127। अब इसको जब हल करेंगे, काटेंगे आप, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 7×21 और 3 × 1 = 3, तो −3 बार में कटने वाला है, तो y बराबर आ जाएगा −3, ठीक है। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखेंगे और यहाँ से x का संख्यात्मक मान निकाल लेंगे। चलिए काम करते हैं, हमको समीकरण 4 जो है थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो समीकरण 4 में ही y के मान को रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण जो 4 है वो है x बराबर 2y + 20 / 7, तो x बराबर हो गया 2 × y, y का जो मान है वो है −3 + 20
बट्टे सात, तो हो गया x बराबर दो गुना माइनस तीन, ये हो जाएगा छः प्लस बीस बट्टे सात। तो x बराबर हो गया बीस में छः घटेगा, ये हो जाएगा चौदह बट्टे सात, तो x बराबर हो गया दो। तो ये हो गया x का वैल्यू। इस तरह से हम देख रहे हैं x का वैल्यू दो आ गया और y का वैल्यू माइनस तीन आ गया। तो ये हो गया इस समीकरण युग्म का हल। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर दो और y बराबर माइनस तीन, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको दे रहा हूं एक HW, इस HW को आप सॉल्व करके इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, मुझे रहेगा आपके आंसर का बेहद इंतजार। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए HW। तो आपके लिए क्वेश्चन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 34 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये है आपके लिए HW। इसको आपको बनाना है तुलनात्मक विधि से और बना करके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख भेजना है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर तीन को। तो क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है 2x प्लस 3by बराबर a प्लस 2b और 3ax प्लस 2by बराबर 2a प्लस b। तो क्या करना है, पहले वाले समीकरण को समीकरण एक मान लेना है और दूसरे वाले को समीकरण दो मान लेना है। अब क्या करेंगे, नियम कहता है समीकरण एक से x का मान y के रूप में निकाल लें या y का मान x के रूप में निकाल लें। चलिए लिखते हैं समीकरण एक से। तो हम लिखे समीकरण एक से, ठीक है। तो समीकरण एक है 2ax प्लस 3by बराबर a प्लस 2b, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है x का मान, तो इसलिए 2ax रहने देते हैं, बराबर ये हो जाएगा a प्लस 2b और ये 3by को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3by। तो यहाँ से हो जाएगा अब x बराबर a प्लस 2b माइनस 3by, ये 2a जब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a नीचे आकर के। अब इसको मान लेंगे समीकरण तीन, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब अगला नियम कहता है कि समीकरण दो को लीजिए और वहां से आप x का मान फिर y के रूप में निकालें। तो चलिए लिखते हैं आप समीकरण दो को। लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो समीकरण दो है आप देख रहे हैं वो है 3ax प्लस 2by बराबर 2a प्लस बी। अब यहां से हमको x का मान निकालना, इसलिए x वाले को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, तो ये हो गया 2a प्लस बी, ये प्लस 2by इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2by। ये दोनों इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए ये ऐसे रह जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 2a प्लस बी माइनस 2by बाय 3a, ठीक है। अब इसके बीच कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेंगे समीकरण चार, ठीक है। अब देख रहे हैं समीकरण तीन भी x के बराबर है और समीकरण चार भी x के बराबर, इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, हम इसका चर्चा पहले कर चुके हैं। तो चलिए अब करते हैं समीकरण तीन और चार के राइट हैंड साइड को बराबर। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण तीन और चार से। तो चलिए लिखते हैं समीकरण तीन एवं चार से। तो समीकरण तीन का जो राइट हैंड साइड है वो देख रहे हैं कि वो है a प्लस 2b माइनस 3by बाय 2a बराबर हो जाएगा 2a प्लस b माइनस 2by बाय 3a। तो अब करना क्या है, इस 2a को इधर भेज दीजिए या फिर ऐसे भी, a देख रहे हैं यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, तो a को ऐसे ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं या इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये 2a ऊपर आ जाएगा, तो a के ऊपर a के नीचे वो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b माइनस 3by बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2by, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू a बाय 3a, ठीक है। तो ये a नीचे है, ये a ऊपर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू ए हो जाएगा 3a प्लस 3 इंटू 2b हो जाएगा 6b, फिर 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा 9by, फिर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2a तो 4a, फिर 2 इंटू b तो ये हो जाएगा प्लस 2b, फिर 2 इंटू माइनस 2 तो माइनस 4by। अब चूंकि y का वैल्यू निकाल लें इसलिए इस y को इधर भेज देते हैं, ये माइनस 4by इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं माइनस 9by, ये माइनस 4by इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस 4by इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a प्लस 2b और ये 3a को इधर भेज देंगे हो जाएगा माइनस 3a और 6b को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6b। 9by में 4by
ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बी वाई इज इक्वल टू, ये फोर ए में थ्री ए जाएगा तो ओनली बचेगा ए, और यहाँ पर टू बी में सिक्स बी कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस फोर बी। तो यहाँ से अब हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए माइनस फोर बी बाई माइनस फाइव बी। हम आगे लिखते हैं y बराबर, अगर हम माइनस को कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा माइनस फोर बी, यहां से हो जाएगा माइनस ए बाय माइनस फाइव बी, इससे में माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा y इज इक्वल टू फोर बी माइनस ए बाय फाइव बी। तो ये हो जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही y का वैल्यू समीकरण तीन या समीकरण चार इसमें रख कर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, y का वैल्यू हम समीकरण चार में रख देते हैं और वहां से x का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण चार में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण चार देख रहे हैं यह है x बराबर टू ए प्लस बी माइनस टू बी वाई बाय थ्री ए। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर टू ए प्लस बी माइनस टू बी इंटू वाई, तो y का जो वैल्यू है वो है फोर बी माइनस ए बाय फाइव बी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बाय थ्री ए, तो अब यहाँ देख रहे हैं b ऊपर है b नीचे है तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा। तब हो जाएगा x बराबर 2a प्लस बी माइनस 2 इंटू फोर ये हो जाएगा 8b, फिर 2 इंटू ए तो ये हो जाएगा माइनस 2a बाय 5, फिर टोटली बाय 3a। तब हो जाएगा x बराबर, अब देख रहे हैं नीचे यहाँ पर 5 है और ये सब के नीचे यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, ये टोटल का जो LCM आएगा वो 5 आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा इधर 5, तो 5 इंटू 2a तो ये हो जाएगा 10a, ठीक है। फिर प्लस 5 इंटू b ये हो जाएगा 5b, ठीक है। और इधर माइनस माइनस ये हो जाएगा 8b, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2a, ठीक है। फिर बाय हो गया 3a, तो अब हो जाएगा x बराबर ये 10a ये 2a हो जाएगा 12a, और ये 5b घटा 8b ये हो जाएगा माइनस 3b बट्टे ये 5 जो है इस 3 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुना 3a, ठीक है। तो अब हो जाएगा x बराबर, अब देख रहे हैं कि यहाँ 12a यहाँ 3 भी है तो दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ से 3 निकाल लिए तो इधर हो गया 4a, और यहाँ से 3 निकल जाएगा तो बचेगा केवल b बट्टे 5 गुना 3a। तो अब देख रहे हैं 3 ऊपर है और 3 यहाँ नीचे है तो ये दोनों 3 क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा x बराबर 4a माइनस बी बट्टे 5 गुना a, तो 5a, ठीक है। अब इसके बीच कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है इसलिए x बराबर यही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं y बराबर आ गया 4b माइनस a बाय 5b और x बराबर 4a माइनस b बाय 5a, तो लिखेंगे यही हल। अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 4a माइनस बी बाय 5a और y बराबर 4b माइनस ए बाय 5b, यही हो गया इसका आंसर। तो ये था तुलनात्मक विधि से समीकरण युग्म को हल करना। कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, होमवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।